नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर जनपद के शेरकोट में एक परिवार में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब घर में कमाने वाले इकलौते इंसान की सऊदी अरब में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। मृतक 7 महीने पहले ही सऊदी अरब गया था। 7 महीने बाद ही दुनिया को अलविदा कह दिया। मृतक व्यक्ति को सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। बता दें कि शेरकोट के मोहल्ला तराई के रहने वाले लईक अहमद सऊदी अरब में कारपेंटर का काम किया करते थे। बताया जा रहा है कल वो सड़क किनारे काम कर रहे थे, इस दौरान लईक बड़े ट्रोले की चपेट में आ गया। लईक के सर से ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लईक के साथ कमरे पर रहने वाले लड़कों ने हादसे की खबर मृतक के परिजनों को दी। खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मृतक 7 भाइयों में सबसे छोटा था। इस हादसे के बाद 5 बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। मृतक लईक के फुफेरे भाई सईद ने बताया कि लईक को सऊदी अरब में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं सऊदी गवर्नमेंट ने कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के बाद मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई। सिंटेक्स ये कर्प कंपनी में वर्क करते थे जी, तो ये रोड का काम करते थे जी। ये काम करके जो है साइड में बैठ गए जी। एक ट्रोला आया केबिन का, जो रेडीमेड रूम होते हैं, वो ट्रोले का जो साइड है उनके यहाँ पे लग गया दिमाग। ये किस चीज का काम करते थे? ये कारपेंटरी में काम। कारपेंटरी, रोड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, सूचना कैसे मिली यहाँ पर घर पर? सूचना उनके जो रूम वाले हैं मित्र वहाँ के जी, उन्होंने यहाँ पर फोन किया था कल तकरीबन 7 बजे शाम जी, उनसे सूचना मिली। तो अब बॉडी यहाँ पर लाई जा रही है? वहीं पर नहीं, वहीं पे दफना हो जाएगा। वहीं पर हो जाएगा तुमने? ठीक, कल पेपर तैयार करा के जी भेज देंगे गवर्नमेंट, वहाँ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उम्र कितने दिन की? उम्र तकरीबन 46 वर्ष। ठीक, वक्त हो चल रहा है आप सभी लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।